क्योंकि शिकायत के बाद रोका गया नाली निर्माण। जी हां, भैंसदेही नगर में वार्ड क्रमांक 5 में निर्मित सीसी नाली की गुणवत्ता को लेकर वार्डवासियों ने सीएमओ से शिकायत की थी। शिकायत के बाद में प्रभारी सीएमओ सुधाकर ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और यहां निर्माण कार्य को रोक दिया है। दरअसल वार्ड क्रमांक 5 सिविल लाइन में दिनेश महाले के मकान से लेकर शिक्षक हरिश्चंद के मकान तक लगभग 210 मीटर नाली का निर्माण किया जा रहा था। यहां 8 लाख रुपए से इस नाली का निर्माण हो रहा है और घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारी मात्रा में डस्ट का उपयोग हो रहा था, मापदंडों के अनुरूप यहाँ नाली का निर्माण नहीं हो रहा था, जिसके चलते ही वार्डवासियों ने शिकायत की तो दक्ष कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी है जो यहाँ नाली का निर्माण कार्य कर रही है, लेकिन गुणवत्ता का यह कंपनी ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते ही वार्डवासियों में रोष व्याप्त है। इतना ही नहीं, नाली निर्माण में लोहे की सरिया का इस्तेमाल तो किया जा रहा है लेकिन वह भी गुणवत्ता विहीन। काफी दूर दूर सरिया लगाए गए हैं, कंक्रीट में भी मापदंड की अनदेखी देखने को मिली है। यहाँ अगर देखा जाए तो डस्ट मिलाई जा रही है, तो वहीं 10-10 इंच पर सरिये लगाए जाने थे जिसे 12-12 इंच पर लगाया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 5 में नगर परिषद द्वारा नाली का निर्माण कराने को ठेका दिया गया। मुझे सुबह ही इन वार्डवासियों से शिकायत प्राप्त हुई, मैं तत्काल साइट पर गया और मेरे द्वारा देखा गया कि वो डस्ट और रेत मिला हुआ वो का उपयोग कर रहे थे, जो मुझे प्रथम दृष्टया उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको तत्काल कार्य बंद करने को निर्देशित किया गया। चूँकि उपयंत्री उपस्थित नहीं थे, इसलिए तकनीकी दृष्टि से क्या उचित है या नहीं है ये मुझे जानकारी नहीं होने के कारण, तकनीकी स्टाफ न होने के कारण मैंने तत्काल में तो कार्य बंद करा दिया। सर, उसके अंदर जो लोहे की राड लग रही है, लोहे की राड का भी मैंने डिस्टेंस को नापा है, उसमें भी कुछ 1-2 इंच का अंतर आ रहा है कि अरे करीब 10 इंच भी बनना था, वो 11-12 इंच भी बन रही है, तो उसको मैंने रुकवा दिया। सर, एक चीज़ और है कि 5 लाख से अधिक के जो कार होते हैं उसमें एक प्राइवेट इंजीनियर को भी लगाया जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि प्राइवेट कोई इंजीनियर नहीं है। नहीं, तो काम की देख रख सकते, प्राइवेट इंजीनियर लगाने की तो जानकारी नहीं है। नगर पालिका का जो स्टाफ रहता है उसको सतत निरीक्षण करना होता है। नगर पालिका में पदस्थ इंजीनियर को मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि एक ही कार्य नहीं, किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे हैं तो उनकी गुणवत्ता की जांच की जाए और निर्धारित इस्टीमेट और मापदंड में कार्य कराए जाने के निर्देश दिए। तो क्या सर, वर्तमान समय काम बंद करा दिया गया है? वर्तमान में मेरे द्वारा काम बंद करने के आदेश दे दिए गए और काम बंद भी करा दिए, काम चालू नहीं है।